ऑक्सीजन मुहैया नहीं की गई बच्चों को, और सक्खर के सिविल अस्पताल में बच्चों को ऑक्सीजन फराहम ना करने से 8 मासूम बच्चे, 8 नौमौलूद दम तोड़ गए हैं। इत्तलातिया रही हैं कि अस्पताल इंतजामिया ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले ठेकेदार को पैसे अदा नहीं किए थे और अदम अदायगी पर ठेकेदार ने सप्लाई रोक रखी थी। सिविल अस्पताल सक्कर में ऑक्सीजन न मिलने पर 8 नौमौलूद दम तोड़ गए हैं। अफसोसनाक खबर है ये सक्कर से, जहां पर ऑक्सीजन न मिलने से 8 नौमौलूद दम तोड़ गए हैं। महकमा सेहत सिंध की मुबैना गफलत का एक और वाकया, सिविल अस्पताल सक्कर में ऑक्सीजन न मिलने से 8 नौमौलूद दम तोड़ गए हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले ठेकेदार ने अदम अदायगी पर सप्लाई रोक दी थी और ये सप्लाई रुकने से इन बच्चों की सांसें भी रुक गईं। 8 नौमौलूद बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने के सबब जिंदगी की बाजी हार गए। मासूम बच्चे आखिरी सांसें बगैर ऑक्सीजन के लिए दुनिया से चले गए। कराची के सक्कर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सिविल अस्पताल सक्कर में ऑक्सीजन ना मिलने के सबब 8 नौमौलूद दम तोड़ गए हैं। महकमा सिंध की ये एक अफसोसनाक हरकत है। महकमा सेहत सिंध ने मुबैना गफलत का मुजाहरा करते हुए 8 मासूम बच्चों की जानों का ज़िया किया है। सिविल अस्पताल सक्कर में ऑक्सीजन न मिलने से 8 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए हैं। ठेकेदार को अदम अदायगी पर उसने सप्लाई रोक दी थी ऑक्सीजन की, जिसके सबब ये बच्चे दम तोड़ गए। हसीब शेख वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं। हसीब, अफसोसनाक वाकया, 8 नौमौलूद दम तोड़ चुके हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया क्या जिम्मेदारी लेने को तैयार है? जी नहीं, इंतजामिया तो इस मामले में कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, ना उन्होंने इस वाकये की तफसील बताई है, जबकि ये कल का वाकया आज हुआ है और इसमें 3 बच्चे जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। इसके अलावा हमने उनसे मालूमात भी की तो उन्होंने इनकार कर दिया कि कुछ वजूहत बनाने से, और इसके बाद उनके जो लवायकीन हैं खासकर वालदेन वो मुतसिल हैं और वो बार बार जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर रहे हैं। जी शुक्रिया हसीब शेख, अपडेट कर रहे थे सक्कर से। अफसोसनाक वाकया पेश आया, मुबैना गफलत इंतजामिया की, महकमा सेहत की मुबैना गफलत है। ठेकेदार को पैसे नहीं दिए जा रहे थे, अदम अदायगी पर ठेकेदार ने इस ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई मासूम जानों का सांस लेना भी रोक गई है और महकमा सेहत की मुबैना गफलत है। एक और वाकया महकमा सेहत की गफलत का सामने आया है, जिसमें 8 बच्चों के हवाले से इत्तलात हैं कि 8 बच्चे मुबैना तौर पर ऑक्सीजन ना मिलने से जां बहक हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध, जिसके कारनामे इस तरह से भरे पड़े हैं तारीख में, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाकया है, जब ठेकेदार को ऑक्सीजन सप्लायर को उसके पैसे फराहम नहीं किए जा रहे थे और उस ठेकेदार की जानिब से सप्लाई रोक दी गई है, लेकिन यकीनी तौर पर यह मुबैना गफलत है। अगर वाकईतन पैसे सप्लाई नहीं किए गए तो महकमा सेहत सिंध की ये मुबैना गफलत है और संगीन नौइयत की गफलत का शिकार हुआ है महकमा सेहत, जो कि माजी में भी ऐसी गफलतों का मुजाहरा करता रहा है। महकमा सेहत शायद सिंध के वासियों के इंसानी हकूक से गाफिल नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, नौमौलूद जां बहक हुए हैं, इस तरह तारीख में वाकयात नहीं मिलते, जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई से महरूम है ये बच्चे और अस्पताल में इन बच्चों को ऑक्सीजन फराहम नहीं की गई है। फंक्शनली की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया सक्कर में, सिंध में हो क्या रहा है? वज़ीर आला तब्दील हुआ, लेकिन क्या चाल चलन हुकूमत के अभी तक तब्दील नहीं हुए? जी कौन समझ रहा था कि चाल चलन तब्दील होंगे? चाल चलन 8 साल से नहीं हुए तो एकदम से नया वजीर आला आकर चाल चलन ठीक कर देगा, या सारी करप्शन जो खुद की है इन्होंने और उन्हीं का वजीर आला वो करप्शन खत्म करेगा, और ये बिगाड़ जो सालों से हो रहा है सेहत के डिपार्टमेंट को इन लोगों ने इस तरह इस्तेमाल किया है जैसे इसको लूटा है, बाकायदा लूटा गया है। पहले वो MQM के ऊपर डालते रहे कि आपके पास मिनिस्ट्री थी, आप इसके जिम्मेदार हैं, MQM इन पर डालती रही। अब जब इनके पास आई तो मेहताब डहर से लेकर सिकंदर महेंद्रो, मतलब ये लोग। अच्छा अब्बासी साहिबा, ये बताइए कि क्या इस मामले में जिसमें एक ठेकेदार ने सप्लाई इसलिए रोकी क्योंकि उसे पैसे नहीं दिए जा रहे थे, अपनी जगह पे वो बिल्कुल हक बजानिब है, इसमें ठेकेदार को दोष दिया जा सकता है क्या? देखिए जी, जब
गवर्नमेंट सब अपना काम टाइम पर करे, सही तरीके से हर चीज चले, तो फिर क्यों किसी को जरूरत पड़े काम बंद करने की या अपने ऑक्सीजन वगैरह ना देने की। ये तमाम चीजें तभी होती है ना जब अपर लेवल से सिस्टम खराब होता है। यानी यहाँ पर खरबों के बजट होते हैं असेंबली से प्रूफ, जो हम लोग ही कर रहे होते हैं और इस उम्मीद से कि ये शायद गरीबों के लिए हम लोग पास करें बजट, लेकिन अंदर से हमें पता चल चुका है कि पीपल्स पार्टी 8 सालों से। बासी साहब, यकीनन सेहत की हालत बड़ी अबतर है सिंध में, आपसे तवक्को करते हैं।